मेरे टाइम पे क्या हुआ था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर, मेरा जो पेट का लाइनिंग है वो तो है ना, वो बहुत ज्यादा मानने वाली चीजें हैं जो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो मैं बताने वाली हूँ आप लोगों की बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या होते हैं, और बेबी बॉय अगर आपने कंसीव किया है तो आपको क्या क्या लक्षण नज़र आ सकते हैं। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और ये जो है ना मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बेबी गर्ल या बेबी बॉय को बढ़ावा दे रही हूँ। मुझे बेबी बॉय हुआ है इसीलिए मैं ये चीज़ें बता सकती हूँ कि बेबी बॉय में क्या होता है। और आप लोग कमेंट करते हो कि ये गलत है ये सही है, बट जो मेरे साथ हुआ है वही मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है कि आपको ये सिम्टम्स नज़र नहीं आए हों, हो सकता है कि मेरे केस मेरे जैसा आपको मैच नहीं हुआ हो, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। लोग बोलते हैं ओल्ड वाइब्स है, बस इसीलिए मैं ये बातें आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो प्रेगनेंसी में होता है ना कि जानने की इच्छा होती है कि क्या होने वाला है क्या होने वाला है, तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो मेरे में सिम्टम्स था वो था ये कि मेरा जो पेट का लाइनिंग बना था, वो लाइनिंग जो बना था ना, वो अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो वो बिल्कुल सीधी बनेगी, मतलब पेट पे पूरी नाभि से ऊपर और नाभि के नीचे तक पूरी ब्लैक रहेगी और बिल्कुल सीधी रहेगी। और लड़की में होता है ना कि वो बिल्कुल नहीं बनता है, वो बनता नहीं है, या तो बनेगा फिर तो टेढ़ा टेढ़ा बनता है। तो ये वाला पहला सिम्टम्स था और जो मेरे में बिल्कुल भी सही हुआ था। और दूसरा जो फिर है ना कि बोलते हैं कि लड़की का जो बेबी मूवमेंट होता है वो जल्दी हो जाता है और लड़का का लेट से होता है, तो मेरे केस में भी ये बिल्कुल सही हुआ था। मेरे केस में लड़का का जो बेबी मूवमेंट था वो हुआ था फिफ्थ मंथ लास्ट में होना चालू हो गया था, बीच में ही होना चालू हो गया था। और बोलते हैं लड़की में जल्दी हो जाता है, मतलब फोर्थ मंथ में चालू हो जाता है, बट मुझे जाके मेरा बेबी मूवमेंट हो नहीं रहा है, क्या हुआ क्यों नहीं हो रहा है, मैं बहुत डर रही थी, बट वो लेट में चालू हुआ। और लोग भी कहने लगे थे कि तुम्हारा देखना बेबी बॉय ही होगा क्योंकि बेबी बॉय का मूवमेंट लेट होता है। बट मुझे कमेंट भी आया था कि मेरे में बहुत जल्दी हुआ था, मेरे में बहुत फास्ट हुआ था, लेट भी हुआ था। तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि हो सकता है कि मेरे साथ जैसा आपका मैच ना करे, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ये बस एक कहावतें हैं, ये बस एक बोलने वाली बातें हैं। तो थर्ड चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मानने वाली चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि पेट का आकार देख के बता देते हैं कि क्या होने वाला है आपको। तो पेट का आकार देख कर के मुझे तो पहले 4-5 महीने तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था, जब पेट थोड़ा बाहर निकलने लग जाता है ना तो लोग अंदाज़ा लगाने लग जाते हैं, और मुझे भी यही लोग बोलते थे कि तुम्हारा बेबी बॉय होगा। बट मुझे लगता था कि जो भी होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होगा, मैं क्योंकि ये सब पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे लड़का भी होगा या लड़की होगी, मैंने ये सब ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे लगता था कि चलो हो सकता है कि बहुत जन बोल रहे हैं तो हो सकता है कि बेबी बॉय हो, क्योंकि मेरा कमर से लेके खाली आगे पेट टमी टमी बाहर आया था, मैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हुई थी, मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन नहीं हुआ था, तो ऐसा बोलते हैं। तो फिर जो दूसरी चौथी चीज़ें हैं ना, वो तो बहुत सारी चीज़ें में, मतलब ऐसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बट मैं आपको कुछ कुछ बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। तो बोलते हैं कि अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकला है, आगे की तरफ है, तो बेबी बॉय होगा। तो ये जैसे कि मैंने अभी बताया वही था। और अगर आपके फिटल हर्ट रेट की बात की जाए तो फिटल हर्ट रेट जो होती है 140 के नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं होता है बेबी बॉय में, और बेबी गर्ल होती है तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरा भी सेम था, मेरा 140 के आसपास ही हमेशा ही रहता था, बहुत ज़्यादा नहीं होता था। तो उसके बाद जो सिम्टम्स है ना, वो मेरे जो बोलते हैं कि आप अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया तो आप अधिकतर ना मतलब लेफ्ट वाला पैर जो है ना वो आगे करोगे, और राइट वाला पैर से आप मतलब हमेशा लेफ्ट पैर आगे करोगे पहले, ऐसा बोलते हैं। तो मेरा मुझे ये तो ध्यान ही नहीं है कि मैंने क्या किया था, मुझे सच्ची इसका बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैंने क्या किया था इसमें।
तो उसके बाद जो सिम्टम है ना वो है कि आपके बेबी की मूवमेंट किस तरफ ज़्यादा फील हुई थी आपको। तो मुझे ना मेरे राइट तरफ में बहुत ज़्यादा फील हुई थी। तो ऐसा बोलते हैं कि राइट तरफ फील होता है तो लड़का होता है और लेफ्ट तरफ फील होता है तो लड़की होती है, और मैं राइट तरफ ही मुड़ के ज़्यादा सोती भी थी। तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा मुझे था कि मुझे हो सकता है कि लड़का ही हो, तो इसी से मैंने अंदाज़ा लगाया था। और तो बहुत सारे सिम्टम्स है, मतलब कि प्लेसेंटा है जो उसकी किस तरफ पोस्टेरियर है, एंटीरियर है। तो मेरा पोस्टेरियर था, बोलते पोस्टेरियर में लड़का होता है, तो मे बी मुझे यही सब सिम्टम्स था इसलिए मुझे लड़का हुआ। खैर, अगर आप लोगों को भी ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको भी लड़का हो, और ये बस जानने की इच्छा होती है, एक्साइटमेंट होता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी जानने के लिए कि क्या होगा मुझे, तो बस इसलिए मैं आप लोगों के भी क्यूरियोसिटी को थोड़ा बहुत दूर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि शायद मुझे लड़का होगा शायद मुझे लड़की होगी। तो जो भी हो, भगवान की दया से आपको मिले, सब कुछ सही हो और गॉड ब्लेस यू। और हाँ, मैं तो इतना ज़्यादा मैं बोल बोल के थक गई हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन सब जो भी मुझे बोलते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ कि इतना कमेंट करते हो, और मैं आप लोगों को सभी को प्रे करती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ, जो भी चाहते हो। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ यार, आप लोग भगवान से दुआ मांगो, मैं दुआ करके मैं तो करूँगी ही, फिर भी अगर आप लोग भगवान से मांगोगे तो वो ज़रूर देंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।